पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए भगवान ने छोटे बड़े हर तरह के जीव जंतु बनाए हैं। पृथ्वी पर जीवन चक्र का संतुलन बनाने में हर जीव जंतु का अपना योगदान है। इन्हीं जीव जंतुओं में से एक चींटी भी है। आपने अक्सर देखा होगा कि चींटियां हमेशा एक लाइन में ही चलती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? इस रहस्य को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चींटियाँ सामाजिक प्राणी होती हैं जो समूह में रहती हैं। इस समूह में मुख्य रूप से एक नर राजा और एक मादा रानी होती हैं। नर और मादा चींटियों की पहचान उनके पंखों से की जा सकती है, क्योंकि नर चींटी के पंख होते हैं और मादा चींटी के पंख नहीं होते। आमतौर पर हम अपने आसपास लाल और काली चींटियों को ही देखते हैं, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में चींटियों की लगभग 12,000 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। अंटार्कटिका को छोड़कर दुनिया के हर कोने में चींटियाँ पाई जाती हैं। चींटियों के काटने से ज़्यादा दर्द नहीं होता, परंतु ब्राज़ील के अमेज़न जंगल में पाए जाने वाली चींटियों की एक प्रजाति के काटने से शरीर में गोली लगने जैसा आभास होता है। इसी खासियत की वजह से इस प्रजाति को बुलेट एंट या बुलेट चींटी के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया में कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो महज कुछ दिन या कुछ घंटे ही जीवित रहते हैं, परंतु चींटियाँ लंबे समय तक जीवित रहने वाले कीड़ों की श्रेणी में आती हैं। चींटियों की एक विशेष प्रजाति 30 साल तक जिंदा रह सकती है। चींटियाँ अपने आकार के संबंध में दुनिया के सबसे मजबूत प्राणियों में से एक हैं। यह दिखने में भले ही छोटी हों, परंतु इनके अंदर अपने आप से 50 गुना ज़्यादा वजन उठाने की काबिलियत होती है। चींटियों के शरीर में फेफड़े नहीं होते। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आने जाने के लिए उनके शरीर पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि चींटियों के कान भी नहीं होते, वो जमीन की कंपन से ही शोर का अनुभव करती हैं। चींटियों को एक कतार में चलते देख हर व्यक्ति के मन में यह सवाल उठता है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो सब चींटियों को जोड़े रखती है। तो आपको बता दें कि जब चींटियाँ खाने की तलाश में बाहर निकलती हैं, तो उनकी रानी रास्ते में फेरोमोन्स नाम का एक केमिकल छोड़ते हुए चलती है, जिसकी गंध को सूंघते हुए बाकी चींटियाँ भी उसके पीछे चलती हैं। इसी कारण हमें चींटियाँ कतार में चलती हुई दिखाई देती हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।